छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे साथ हैं। सर, आज यहाँ पे महंगाई के ऊपर कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी एक रैली कर रही है, क्या संदेश पूरे देश भर में भेजा जाते हैं आप लोग? देखिए, केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण से पूरे देश है वो महंगाई के चपेट में आ गया है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे जिस प्रकार से कोरोना काल में भारत सरकार ने जो उल्टे सीधे कदम उठाए, उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। और उसके विरोध में एआईसीसी ने पूरे देश भर के नेता भी आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं और महंगाई के खिलाफ ये रैली आयोजित की। साथ साथ एक और जो हम बड़ी चीज देख रहे हैं वो है कि पूरे जगह पे राहुल गांधी के पोस्टर है, बहुत सारे नेता हैं। आप भी बार बार कह चुके हैं कि राहुल गांधी को अब कांग्रेस पार्टी को लीड करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इसमें? हाँ, हमारे नेता हैं, अब वो एक प्रक्रिया है, अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गया संगठन के और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी हम सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अध्यक्ष पद स्वीकार करेंगे। आखिरी सवाल है, टीएमसी वाले लेकिन खुश नहीं है, वो बोल रहे हैं कि यूपीए खत्म हो चुकी है, पहले ममता बनर्जी थी और अब प्रशांत किशोर, उनका बयान आया, उन्होंने तो राहुल गांधी के ऊपर भी जो है सवालिया निशान उठा दिया है। देखिए, मैंने आज तक के कार्यक्रम में पहले ही बोल चुका हूँ कि ममता बनर्जी पहले तय कर ले कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ के अपनी लकीर बड़ा करना चाहती है कि कांग्रेस की लकीर छोटे करके अपनी लकीर बड़ा करना चाहती है। वो लड़ना किसे चाहती है वो पहले तय कर ले।